और जी आज हमारा सफर है जी गो बस का, एंड इस वक्त हम अपने स्टेशन पर मौजूद हैं एंड वेटिंग फॉर आवर बस। ये आप देख सकते हैं और मैं आपको पूरा ये जो टर्मिनल है वो भी दिखाता हूँ। अभी ये बिल्डअप हो रहा है ब्रैमली गो, और इसमें यहाँ पर गो ट्रेन भी है, उसका भी स्टेशन मौजूद है। और ये सामने जो है ये यहाँ की पार्किंग है, यहाँ पर पार्क करें एंड राइड करें। बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज़ से फ़ायदा लेते हैं। सामने गो बस है और हमारी बस भी अभी इसी तरह ही आएगी एंड देन वी विल राइड टू। और ये सारा एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है बट इट्स गोइंग ऑन, इट्स वेरी वेल एंड गुड। हमने बस में सवारी कर ली है और जो ऊपर वाली मंजिल है उसका इंतखाब किया है ताकि नीचे के नज़ारे और इर्द गिर्द के नज़ारे अच्छे से लिए जा सकें। और ये बस का अंदरूनी मंजर है, अच्छी सीट्स हैं, कुशादा सीट्स हैं। ऑलराइट जी, हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है, बस गो स्टेशन से निकल चुकी है और हमारा नेक्स्ट जो स्टॉप है जैसे कि आपने सुना भी वो होने वाला है स्क्वायर वन, और मैं आपको रास्ते के मनाजिर भी दिखाता रहूँगा। एक शेर जहन में आता है कि जिंदगी इतना तेज चलती है, भाग कर बस पकड़ना पड़ती है। तो वाकई में जी अक्सर औकात ऐसा हो जाता है क्योंकि ये बसेज ना वेट नहीं करती, और अगर आपने इनको छोड़ दिया तो फिर आपको अगली बस का इंतजार करना पड़ेगा। और जी इस वक्त मेरे सामने मिसिसागा की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ चुकी हैं, और ये शहर इन्हीं बिल्डिंग्स के हवाले से जाना जाता है। इसका जो नाम है वो एंशियंट वर्ड से डिराइव किया गया है, ओजिब्वा से, जिसका मतलब है रिवर ऑफ मैनी माउथ्स, क्योंकि इसको बहुत सारे रास्ते लगते हैं। टोरंटो के ये बहुत पास है जिसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज आबाद हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, और ये बड़े बड़े मॉल्स के हवाले से और शॉपिंग के हवाले से जाना जाता है। जी हम पहुंच चुके हैं मिसिसागा स्क्वायर वन, और यहाँ पर जो है वो बस सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकेगी और पैसेंजर्स की लोडिंग एंड अनलोडिंग होगी एंड देन जो है ये टेक ऑफ कर जाएगी अपनी नेक्स्ट मंजिल की जानिब। देयर यू गो। स्क्वायर वन पर 5 मिनट रुकने के बाद गो बस जो है वो अपनी अगली मंजिल यानी कि अगले स्टॉप की जानिब रवा दवा हो चुकी है, और हम अपने पीछे छोड़ते हुए स्क्वायर वन और मिसिसागा। ये सफ़र जो है ना खुशगवार ही होता है, लेकिन समटाइम ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल आप पीछे आवाज़ सुन रहे होंगे, उस तरह के लोग जब बसेस में बैठ जाते हैं ना तो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़, दे डोंट केयर, उनको कोई फिक्र नहीं है, हुल्लड़बाजी जारी है, उनको लग रहा है कि जैसे ना अपना किसी पिंड की बस में बैठे होंगे मेकिंग नॉइज। दीज आर द सिविलाइज कंट्री, जब आप यहाँ पर आते हैं इस तरह की कंट्रीज में तो फिर यहाँ के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपकी किसी एक्ट की वजह से दूसरों को तकलीफ ना, कोशिश करते हैं चाची पास है अपने कन्वेंस पे चलता है, बट पब्लिक ट्रांजिट दिस इज नॉट गुड। बट अमूमन दो बस में ऐसा होता नहीं है, बहुत अरसे से ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ पर होता नहीं है ऐसा, जबरदस्त सफर होता है, अदरवाइज इट्स वेरी गुड, सफर बहुत अच्छा है। लेट मी शो यू द सीट्स, सीट्स बड़ी कंफर्टेबल हैं, सुकून से बैठ के उनके सामने जो है ना ये प्लग इन भी लगा हुआ, आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं, वाईफाई भी मौजूद है, वाईफाई से कनेक्ट करें और 50 MB तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गो की जो ट्रांजिट की वेबसाइट है वहाँ पर भी आप अच्छा जी वो जैसे मूवी है ना हाफ गर्लफ्रेंड, तो हाफ सफ़र हाफ जर्नी, हमारा हाफ सफ़र मुकम्मल हो चुका है और मैं यहाँ पर जो है अब बस को तब्दील करना है, और उसके लिए जो है दूसरे जो हमारा स्टेशन है वहाँ पर वेट कर रहा हूँ।
द ओनली ड्रॉबैक इन गो बस कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, स्पेशली व्हेन देयर इज़ अ हॉलीडे. ठीक है, कोई हॉलीडे है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट आपका एक्सटेंड हो जाता है, अदरवाइज इट्स वेरी गुड. इनका आपस में बड़ा ही कम्पैक्ट और चैनलाइज सिस्टम होता है और उसकी वजह से आपका वेट जो है ना वो कम से कम हो जाता है करना. लेकिन आज हॉलीडे है तो फिर इट विल बी हाफ एन आवर, बट इट्स गुड क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है, सो नॉट अ बिग डील फॉर 30 मिनट्स. सो बाकी में इट्स अ गुड जर्नी. आप जो है ना कहीं दूर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी कार का फ्यूल बचे, ठीक है, रिस्क भी कम हो, देन यू कैन ऑप्ट, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. बट इट्स अप टू यू. लोग समझते हैं कि यार अपना फिर ज़्यादा टाइम बचाना चाहिए, टाइम भी बचता है, बट जब हॉलीडे होता है थोड़ा सा वेट करना पड़ता है. लाइक फॉर नाउ द वेट विल बी फॉर द नेक्स्ट बस, इट विल बी हाफ एन आवर. और यहाँ पर अपना कार्ड आप डाल के इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस इज़ माई कार्ड, तो आप अपना कार्ड डालें, ठीक है, आपको बताएगा जी एक्सेस टू प्रेस्टो सर्विसेज, ठीक है. और मैं कार्ड समरी देख लूँगा और ये बताएगा जी हमारा बैलेंस वगैरह बता देगा, ठीक है. इसको आप अपना डेबिट लगा के रिचार्ज भी कर सकते हैं क्रेडिट डेबिट से. इसके अलावा क्योंकि ये मैकमास्टर यूनिवर्सिटी का है बस स्टॉप, तो यहाँ पे जो है वो चैम्बर्स भी बने हुए हैं और आप अंदर भी वेट कर सकते हैं, स्पेशली जब वेदर एक्सट्रीम आउटसाइड सर्दियों में और ऊपर ये हीटर भी लगे हुए हैं. अच्छा जी, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि वीकेंड्स के दिनों में जो है वो गो बस में सफ़र करना बहुत इकोनॉमिकल होता है क्योंकि ये आपको वीकेंड पासिस जो हैं वो मुहैया करते हैं और वीकेंड पासिस जो है ना वो $15 या $10 में दो तरह के मिलते हैं. $10 वाला जो है सैटरडे एंड संडे को काम करता है और जो $15 वाला होता है वो सैटरडे संडे और साल में कोई हॉलीडे आ जाए, जैसा कि अभी कनाडा में लॉन्ग वीकेंड था तो मंडे को भी छुट्टी थी, तो वो इसको भी कवर करता है. आप $15 में या $10 में वीकेंड्स में कहीं भी जा सकते हैं, मजीद सफ़र को बेहतर कर सकते हैं क्योंकि इस सफ़र का भी एक अलग ही चार्म है, एक अलग ही मज़ा है और इस मज़े को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं. तो मैंने कहा चलें ये भी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करता चलो. अब इसको जो है आप यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, गूगल पे जाएं और लिखें गो बस ट्रांजिट वीकेंड पास, गूगल करें और आपको उनकी वेबसाइट आएगी, वहाँ पे अपने जो है ऑनलाइन इसकी परचेजिंग करें एंड एंजॉय करें. ले जी आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार, हमारी डबल डेकर बस आती हुई और इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं. ऑलराइट जी, दूसरी बस में अब हम बैठ चुके हैं और वैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने मास्क पहना हुआ है क्योंकि अभी कनाडा में बहुत सारी जगहों पर मास्क की एग्जेम्पशन हो चुकी है, लेकिन जो ट्रांजिट है इसके अंदर स्टिल जो है मास्क वो नेसेसरी है और आप इसके बगैर सफ़र नहीं कर सकते. सो इसलिए मास्क तो डेफिनेटली फिर पहनना पड़ेगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए और दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए, इट्स अ गुड थिंग. तो हैं जी ये नज़ारे ऊपर वाली मंजिल और पहली सीट के. जी हाँ, अभी तो पिक्चर बाकी है और मजीद नज़ारे भी बाकी हैं. जी हाँ, मैं इन्हीं नज़ारों के हवाले से बात कर रहा था. जब आप हाईवे पर चढ़ते हैं और इस तरह की आप नशिस्त पर विराजमान होते हैं तो डेफिनेटली फिर आप जो है ना इतराफ़ के नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज़ होते हैं, जैसे कि मैं बहुत इंजॉय करूँ एंड आई रियली होप कि आप भी मेरे साथ जो है इस वीडियो को देख कर इन नज़ारों से जो है वो लुत्फानंदोज़ हो रहे होंगे. डेफिनेटली इंजॉय भी करना चाहिए. तो अपनी मंजिल की जानिब हम रवा दवा हैं और इसके साथ साथ एक खुशगवार सफ़र जो है वो जारी उसारी है. एंड आई प्रे एंड आई विश कि ये सफ़र इसी तरह से खुशगवार रहे और जारी उसारी रहे. हमारी स्क्रीन जिस पर हम देख सकते हैं कि हमारे स्टेशंस कहाँ पर हैं, कितनी दूर हैं, कनाडा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बहुत ही हरा भरा मुल्क है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप शहर में भी एंटर हो जाएं, लेकिन आपको हर तरफ जो है हरियाली ही नज़र आएगी इन द फॉर्म ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रीज, तो ये बहुत अच्छी बात होती है. और देखें कितना खूबसूरत लगता है और स्पेशली बस की पहली सीट पर बैठ कर हाथ में जो है आपने कॉफ़ी पकड़ी हो और इस तरह के नज़ारों से आप लुत्फानंदोज़ हो रहे हो तो दिल जो है ऊपर वाले की तारीफ ज़रूर करेगा. क्यों जनाब, करना बनती है. खैर, बातें हमने बहुत की इस वीडियो में, बातों के सिलसिले को अब लगने वाली है ब्रेक क्योंकि हम
ब्रैंटफोर्ड में एंटर हो चुके हैं और ये डाउनटाउन का एरिया है जो आप देख रहे हैं, और दोनों तरफ सड़क के बड़े खूबसूरत दरख्त हैं और गाड़ियां भी गुजर रही हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद दो तीन गलियां मैं कह सकता हूं कि पार करनी है एंड देन इट विल बी ऑल। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आपकी बस रुकने वाली है और इसलिए अपने अपने बैग्स जो हैं वो संभाल लें, क्योंकि सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। खैर, बातों के सिलसिले को अब लगने वाली है ब्रेक, क्योंकि हमारा जो ब्रैंटफोर्ड का गो बस टर्मिनल है वो आ चुका है। छोटा सा टर्मिनल है, इट्स नॉट अ बिग वन, बट यहाँ पर बस रुकेगी एंड देन जी बिल्कुल अपनी मंजिले मकसूद पर हम पहुँच चुके हैं और आन पहुँचा है हमारा ब्रैंटफोर्ड। खैर, ये वीडियो कुछ ही देर के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियोस और अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय।